मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबको स्वागत है। हेलो, बोलो। मॉर्निंग, कैसा है सुबह? बहुत ठंडा 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 है और ना मजा आ रहा ना, अलग ही वाइब्स है यार यहाँ की। तो मैं सोची कि मैं सुबह उठ के ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो मैं अभी ऐसी हूँ तो प्लीज माइंड मत करना। और अच्छा ज्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी है पीछे पीछे। देखो ये देखो स्ट्रॉबेरी, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो ये हमारे रूम का बालकनी है और सुबह उठ गया बाबू सा, तो मुझे रात को नींद नहीं आई, थोड़ा कम आई क्योंकि तो होता है ना कि अलग अलग जगह पर सोने पर थोड़ा नींद कम आती है। तो वही था, ऐसे सुबह उठ के देखा इतना अच्छा फॉग फॉग हुआ था ना, मजा आ गया ना। थैंक यू ठीक है। क्यों यहाँ लाने के लिए okay. बहुत अच्छा लग रहा है यार आज तो घूमने जाना है, बहुत घूमने जाना है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पीछे आए और ये हमारे रूम का पीछे का कहते सुंदर लग रहा ना, ऑरेंज ऑरेंज फूल। और ये है हमारा रूम, हमने नीचे ही लिया था जानबूझ के व्यू की वजह से। ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा होटल का गार्डन वार्डन घूमने, कितना खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर। ये स्ट्रॉबेरी का खेती किया हुआ है, देख सकते हो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी भी लगे हुए हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है तो कुछ स्ट्रॉबेरी हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। ये देखिए ये पूरा खेती किया हुआ है स्ट्रॉबेरी का है। और पीछे पहाड़ है, जंगल है, जंगल के बीच में ना सुंदर सा होटल बना कर, होटल नहीं विला टाइप का, इसलिए हम लोगों ने बुक किया। ये देखिए कितना सुंदर, कितने सारे हैं, वाह। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्ट्रॉबेरी का पौधा देख रही हूँ और कैसे इसका इसको लगाते कैसे हैं वो देख ले, अच्छा लग रहा है। ये प्लास्टिक से कवर क्यों किया हुआ? अभी यहाँ पे हाँ देख वहां पे भी रेड है, ये सब रेड है। तो हम लोग नीचे जाएंगे ना तो तोड़ेंगे इनसे पूछ के, कितने सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, यहीं पे रह जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी ना ये वाले पत्थर यूज किए हुए, वो जो वो पत्थर काट के बनाते हैं ना वो वाले पत्थर, भी डाला हुआ पत्ता गोभी। तो मैं आप लोगों ना इसके बैक कैमरा से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या खेती करके रखा है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक सब कुछ मिलता है खाने को, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया था आना। और बहुत ज्यादा ऐसा रेटिंग नहीं है ये इस जगह का। ये देखो यहाँ पे ये लोगों ने पत्ता गोभी, लहसुन, ये सब चीजें यहाँ पे उगा के रखी हैं, सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये भैया कुछ कुछ तोड़ रहा, स्ट्रॉबेरी तोड़ रहा की खेती है ना। ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, पीछे भी बहुत सुंदर है। तो वो रहा हमारा विला, देख सकते हो दो ही फ्लोर का, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं और ऐसी जगह पे रहने का ना मज़ा ही कुछ और है, जंगल के बीच में। ऐसे तो 3 स्टार रेस्टोरेंट और हाई फाई होटल्स हैं, लेकिन जो आप जंगल के बीच में रहते हो ना छोटे छोटे इस विलाज में, उसका अलग ही मज़ा है। अब वहाँ की खुद की खेती होती है, खुद का ऑर्गेनिक सब फार्म है इनका, तो
तो अच्छा लगता है ना सब कुछ खाना भी इनका बहुत टेस्टी था। रात को हमने डिनर किया तो हम अब यहीं करेंगे, बाहर जाने से अच्छा है कि हम यहीं पे करेंगे और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो अच्छा लगा, ओवरऑल अच्छा लगा। अगर आप महाबलेश्वर आने वाले हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी इस होटल का, मतलब ये विला का, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आप आ रहे हो फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, बहुत इन्जॉय कर सकते हो। और खाना एकदम ऑर्गेनिक रहेगा, एकदम से ऑर्गेनिक। आप देख भी सकते हो कि देखो कितना स्ट्रॉबेरी इन्होंने तोड़ के रखा है, उधर पत्ता गोभी भी तोड़ के रखा है, उधर लहसुन वहसुन लगा के रखा है उन्होंने। तो सब कुछ काम करते हैं होटल वाले लोग ही हैं। तो अच्छा लग रहा, फूल भी लगाया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब कुछ सोया हुआ है, मेरे बापू भी सोया हुआ है, सब सोए हुए हैं। तो हम और ये केवल जगह हुए, तो हम लोग सोचे अरे यार हम लोग सोने आए हैं क्या, चलो घूमते हैं देखते हैं क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी तोड़ के खाते हैं हम। तो अभी ये लोग हैं इसकी वजह से हम लोग नहीं तोड़ रहे। ये लोग बोले कि हम लोग तोड़ के आपको दे रहे हैं, आप लोग खा रहे हो। हमें बोले ऐसे तो मिल ही जाएगा, तो हम अपने से तोड़ के खाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करने नहीं, अभी ब्रश वश मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा, सुकून मिल रहा, और दो तीन दिन रुकना रहता तो और मजा आता, बट क्या करे, काम 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 काम। पर वैसे भागदौड़ वाली जिंदगी में यहाँ पे आना ना बहुत अच्छा है। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर क्या है बेटा, 1 2 3 3 तो बोल रहा है वो, इधर इधर 1। तो रास्ते में है ब्रेड जैम, इडली, सांभर, चटनी और ये है पोहा और ये है अनार का जूस। तो इतनी सारी चीज़ें और चाय और कॉफ़ी। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें पहले खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट खा लेते हैं अच्छे से, फिर आप लोग से बात करते हैं। हो गया सांस, कहाँ जा रहे हो? उसका कल बूथ का सब कंप्लीट करके सब एक जगह हम कर लेते हैं, फिर उसको Two hours later. ये है वेना लेक, हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आप देख सकते हो पीछे में कितना ग्रीनरी है, पहाड़ है और ये झील बहुत बड़ा है। यहाँ पे बोटिंग वोटिंग सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि करें, आज का ये टाइम है जितना कवर कर सकते हैं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे है बाबू, इसका मूड खराब हो गया, इसका सोने का टाइम हो गया। लाइफ जैकेट मिल रहा है तो यहाँ पे लोग पहन के उसके बाद ही सबको बोट में बैठाते हैं। तो यहाँ पे सिटिंग है अपना, उसको धूप से बचना है, वो यहाँ बैठा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये देखिए लाइफ जैकेट हम लोग पहन लिए और हम लोग अब जा रहे हैं बोटिंग करने। तो चलिए हमारे साथ में बोटिंग करने। फ्रेंड्स हम नाव में बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो एकदम बीच में, और ये जो सूखा सूखा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले पेड़ था तो जैसे ये सूख गया, इसकी वजह से ऐसा काला काला सा दिख रहा है। और जब बारिश होती है ना तो ये सब एरिया जो आप सूखा वाला देख रहे हो ना, सब डूब जाता है। तो हम लोग एकदम 1 किलोमीटर दूर तक तो आ ही गए होंगे और फिर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर इतना अच्छा था, और मैं इसके चार्जेस बता देती हूँ, अगर आप ड्राइवर के साथ हो तो फिर 1400 इसके चार्जेस है, विदाउट ड्राइवर 800 है। तो हमने पहले सोचा कि हम खुद से चप्पू चलाएंगे, लेकिन फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम थक जाएंगे फिर अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा है कि हम ड्राइवर वाला ही लेते हैं। सो हम लोगों ने ले लिया और मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे और अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था।
मुझे तो बाबू का लग रहा था कि क्योंकि मैंने उसे टोपी नहीं पहना था, क्योंकि थोड़ा सा धूप था तो मुझे नहीं इतना नहीं लगा था कि इतना हवा चलेगा, तो उसे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी ठीक था। वो भी बहुत मस्ती कर रहा था पीछे, पापा के साथ अपने बैठा हुआ है, बहुत मस्ती कर रहा था। तो बीच में हम लोग बैठे हैं, पीछे अपने पापा के साथ ये बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं बोट में, ये देखिए बहुत मजा आ रहा है। देखो अभी ऐसा पकड़ने तो ये अभी तक हम लोग 1 किलोमीटर दूर तक आ चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो गया। अब रिटर्न में जा रहे हो, काफी सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो जरा कैसा देखो सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू कितना मस्ती कर रहा पीछे बैठ के, इसको केवल ना पानी को छूना था, इसको ना छूने का बहुत मन करता कि मैं पानी को छू लूँ। तो यहाँ पे उसको हम लोग पकड़ के रखे हैं ताकि वो उसको छू ना सके, और थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आ जाएगा। और थोड़ी देर में एक मंदिर आएगा, बहुत पुराना मंदिर, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने बाबू को ले लिया क्योंकि पीछे में बैठा हुआ था ना, तो बहुत मस्ती कर रहा था वो, उसको मंदिर पानी लेना था। और फ्रेंड्स ये झील ना हमारे जो जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से एकदम पास है, जहाँ हॉर्स राइडिंग भी पास था और ये लेक भी पास है, बहुत मतलब 1/2 किलोमीटर होगा। अरे हमारा छोटा ड्राइवर तो बजरंग बली ये मंदिर डूब जाता रहेगा बारिश में, तो ये पूरा डूब। तो ये सब महाबलेश्वर का बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे 9 ग्रह की मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे पूजा होती है, लोग रुक कर बोट से उतर कर पूजा करते हैं। और अब पीछे जो आपने हनुमान जी का मंदिर देखा वो भी सबसे प्राचीन मंदिर है, और ये बारिश में डूब जाता है, लेकिन जैसे ही फिर बारिश का पानी कम होता है तो ये दिखने लगता है, फिर यहाँ पर लोग आते हैं पूजा करने, दर्शन देने, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का, ये दोनों मंदिर बहुत पुराने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू को पानी में हाथ डालना था, उसको पैर डालना था, उसको बहुत मस्ती हो रहा था पानी छूने के लिए, लेकिन हम लोग उसको होल्ड करके रखे हुए थे, नहीं तो वो अपना पैर कभी डाल देता था कभी हाथ डाल दे रहा था। ठंडा पानी था इसलिए हम लोग काफ़ी होल्ड करके रखे थे इसको। और यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव बीना, वहाँ पे लिखा हुआ था आई लव बीना, बहुत सुंदर चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वो बनाया पेड़ बनाया हरा हरा हार्ट बनाया, वो बड़ा लग रहा था, और लिखा हुआ आई लव बीना, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, एंजॉय हम लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। आप कल देखना।